गुड मॉर्निंग। आई होप आज का दिन आपका सभी का बहुत अच्छा जा रहा होगा। और सुबह सुबह जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे पेज पर मैं अक्सर फोर लाइनर्स पेश करती रहती हूँ और उनकी रीच कभी 10-11 हज़ार तक पहुँच जाती है और लाइक्स भी कभी 1000-1200 तक पहुंच जाते हैं। कमेंट्स पता नहीं कितने रहते हैं, 40-50 शेयर्स हो जाते हैं। मुझे ये सब देख के लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा ही लिख रही हूँ, तभी आप लोग को सबको ये पसंद आता है। तो इसी सिलसिले में, चूँकि अभी वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि पोइट्स को यहाँ पे लाइव बुलाया जाए और जो है सबकी पॉजिटिविटी से भरी कविताएँ सुनी जाएँ। और आप लोग सब उसको भी लाइक कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि सभी पे 700-800 से अधिक व्यूज़ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी इस पेज पे मैं इन सब पोइट्स को, अच्छे अच्छे पोइट्स को यहाँ बुलाती रहूँगी ताकि आप इन कविताओं का आनंद लेते रहें। और हर संडे मैं आपके सामने पेश हुआ करूँगी। वक्त मैं एक दिन पहले ही बताऊंगी कि मैं कितने बजे लाइव होने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ एक फोर लाइनर से ही कि खुशी ऐसी मिले कि रग रग में समा जाए। हे ईश्वर, गुलों से यूं ही वादियां महकने दे। खुशी ऐसी मिले कि रग रग में समा जाए। हे ईश्वर, गुलों को यूं ही वादियों में महकने दे। और जब पास खड़ी इम्तिहान की घड़ी हो, और जब पास खड़ी इम्तिहान की घड़ी हो, तब हौसलों को हर परीक्षा में निखरने दे। नमस्कार नीता जी। तो जो है आजकल वाकई ये परीक्षा की घड़ी है और जो है हम सब की परीक्षा है। ईश्वर कुदरत हमारी परीक्षा ले रही है, परंतु ये जंग हमें हौसलों से जीतनी है, क्योंकि हौसलों के बिना कोई जंग नहीं जीती जा सकती। और अगर हौसला हो तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसे हम जीत नहीं सकते। तो मैं सबसे पहली कविता जो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जब कभी मैं तन्हा होती हूँ। उससे पहले एक फोर लाइनर। जिंदगी एक जाम है इसे पीते जाओ, जिंदगी एक जाम है इसे पीते जाओ, गर कोई गम है तो उसे सीते जाओ। सुनो बस क्षण भर की हैं ये शामें, सुनो बस क्षण भर की हैं ये शामें, हर शाम आखिरी शाम सी जीते जाओ। सोनू अजवानी जी ने ज्वाइन किया है और उन्होंने लिखा है मातृदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, आज ये बहुत खुशी का दिन है। आपकी मदर के लिए भी मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ। और भी आपकी फैमिली में अगर बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी हो, उन सब के लिए मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि माँ बनना एक बहुत बड़ी ईश्वर की नायाब भेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी पोएट्री की ओर। जब कभी मैं तन्हा होती हूँ, जब कभी मैं तन्हा होती हूँ, नज़मों की धार पकड़ लेती हूँ और झूल जाती हूँ दहर के किसी कोने में छुपे एहसासों के खूबसूरत से जंगल में। जब कभी मैं तन्हा होती हूँ, नज़मों की धार पकड़ लेती हूँ और झूल जाती हूँ दहर के किसी कोने में छुपे एहसासों के खूबसूरत से जंगल में। कभी कभी इस धार को पकड़ में ऊपर को बढ़ती रहती हूँ, छू लेती हूँ आसमान और उड़ने लगती हूँ मस्त परिंदों की तरह। कभी कभी इस धार को पकड़ में ऊपर को बढ़ती रहती हूँ, छू लेती हूँ आसमान और उड़ने लगती हूँ मस्त परिंदों की तरह। और कभी कभी गिर जाती हूँ, और कभी कभी गिर जाती हूँ, तो तब मुझे मिलता है नीचे अल्फाज का दरिया, तब मुझे मिलता है नीचे अल्फाज का दरिया। और मैं अपनी नाजुक उंगलियों से तब मैं चुनती और फिर कलम से भरती रहती हूँ,
लिखती जाती हूं न जाने कितनी किताब, जीत दोनों में मेरी ही है, जीत दोनों में मेरी ही है। और फिर जब वापस पहुंचती हूं तो देखती हूं कि खुशी का एक समंदर बह रहा है मेरे ही जहन में। जीत दोनों में मेरी ही है। और फिर जब वापस पहुंचती हूं तो देखती हूं कि खुशी का एक समंदर बह रहा है। तो आप सबके जहन में भी एक खुशी का समंदर बहता रहे, ऐसी मेरी आशा किया है कृतिका चंद्रा ने, जो लिख रही है, हेलो मैम, थैंक यू कृतिका, हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द व्यूअर्स हु आर दिस लाइव शो बाय मी। तो बढ़ते हैं अब दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है टुकड़े शाम के। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। सूरज क्या डूबा लगती थी टूटी टूटी, झूठे सी जिंदगी भी झूठी झूठी। सूरज क्या डूबा लगती थी टूटी टूटी, झूठे ख्वाबों सी जिंदगी झूठी झूठी। जब बीन बीन कर उठाए टुकड़े कांच के, जब बीन बीन कर उठाए टुकड़े कांच के, तब समझ आया वो तो थी अनूठी। तो अक्सर हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी सारी खूबसूरती छुपी है, कितने सारे हुनर छुपे हैं, हम उनको नज़रअंदाज ही करते रहते हैं। परंतु अपने मन पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे केतन भाई परमार जी लिखते हैं, वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया केतन भाई। और डॉक्टर दिवाकर भी यहाँ मौजूद हैं, हेलो दिवाकर, ये लिख रहे हैं, वाह मैम, जीत आपकी ही है, और गुरु माता को प्रणाम एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू दिवाकर, जीत मेरी भी है, जीत आपकी भी है, जीत हम सबकी भी है अगर हम हौसला बनाए रखें। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है टुकड़े शाम के। हवाएं जोरों से साए साए करती हुई आईं और चली गई शाम के टुकड़े करती हुई। हवाएं जोरों से साए साए करती हुई आईं और चली गई शाम के टुकड़े करती हुई। उनके जाने के बाद हर तरफ फिर से ऐसी शांति छा गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं देखे गए मेरी भावुक नजरों से शाम के वो अनगिनत टुकड़े, और बीनने लगी मैं उन्हें अपनी छोटी और नाजुक उंगलियों से। नहीं देखे गए मेरी भावुक नजरों से शाम के वो अनगिनत टुकड़े, और बीनने लगी मैं उन्हें अपनी छोटी और नाजुक उंगलियों से। पर वो टुकड़े तो किसी पहने कांच के टुकड़ों की तरह थे, पर वो टुकड़े तो किसी पहने कांच के टुकड़ों की तरह थे। बहने लगी मेरी उंगलियों से रक्त की धारा विरल, और मैं भी हताश होकर बैठ गई, मैं भी हताश होकर बैठ गई। जब दर्द की पीड़ा से निकलकर मेरा मन कुछ और सोचने के काबिल हुआ, तब कहीं जाकर ये विचार कौंधा, क्या पहले नहीं हुए कभी शाम के टुकड़े इस कदर। मन में यह विचार कौंधा कि क्या पहले नहीं हुए कभी शाम के टुकड़े इस कदर। माना कि ये ज्यादा पहने थे, पर ऐसे टुकड़ों को जोड़कर अगली शाम हरदम फिर आई थी खुशी का पैगाम लिए। ऐसे टुकड़ों को जोड़कर अगली शाम फिर आई थी खुशी का पैगाम लिए। अगली सुबह के इंतजार में बहते रक्त के बावजूद मैं हौले से मुस्कुरा उठी। अगली सुबह के इंतजार में बहते रक्त के बावजूद मैं हौले से मुस्कुरा उठी। मुझे पूरा भरोसा था कि इतनी जुस्तजू भर दूंगी मैं आफ्ताब के सीने में कि अगली शाम जब भी आएगी तो वो होगी खुशनुमा और मुकम्मल। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हार कभी नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, नाइस पोएम, थैंक यू जीजा जी। संदीप यादव रैमलर हैप्पी मदर्स डे विश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पू जैन वॉच कर रही हैं, और जय कुमार भी लिख रहे हैं हैप्पी मदर्स डे,
बहुत बहुत शुक्रिया जय कुमार। और यहाँ पे डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, ग्रेट मैम, सो गुड टू टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम योर पोएम्स, थैंक यू। बस यही पॉजिटिविटी बांटने की मैं कोशिश करती हूँ, और आपके ऐसे कमेंट से ही मुझे और प्रेरणा मिलती है और मैं और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती जाती हूँ। तो पेश है मेरी तीसरी कविता, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। वीणा की जिंदगी से सीख ले तू ए जिंदगी कि नायाब साज के लिए हर तार जरूरी है। वीणा की जिंदगी से सीख ले तू ए जिंदगी कि नायाब साज के लिए हर तार जरूरी है। तू भी चल सकता है राहों पर मुस्कुराकर, तू भी चल सकता है राहों पर मुस्कुराकर, जीतने के लिए खुद से प्यार जरूरी है, जीतने के लिए खुद से प्यार जरूरी है। तो जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, नहीं कर सकता। इस टॉपिक पे मैं कई पोएम्स लिख चुकी हूँ, और ये जो मेरी पेशकश है खोज, ये भी कुछ इसी डायरेक्शन में है। क्या खोज रहे हो तुम? क्या खोज रही हूं मैं? क्या खोज रहे हो तुम? क्या खोज रही हूं मैं? क्या हम खोज रहे हैं जिंदगी के अनजाने रहस्यों को, या हम खोज रहे हैं धरती के सीने में दफन उन अनगिनत किस्से कहानियों को, या हम खोज रहे हैं मोहब्बत के नगमों को, या हम खोज रहे हैं जुगनुओं की रोशनी को, या हम खोज रहे हैं फलक के पार छुपे कुछ खूबसूरत नजारों को, या फिर हम खोज रहे हैं खुद को, या फिर हम खोज रहे हैं खुद को। शायद खुद को खोजे बिना हर तलाश अधूरी है। सुनो, दुनिया की तलाश क्यों करते हो? दुनिया की तलाश क्यों करते हो? सबसे पहले तो तुम्हें खुद को खोजना होगा, है ना? तो ताज मोहम्मद जी भी यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं, ये हेलो बोल रहे हैं। हेलो ताज जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, जैसा कि आपको मेरी पोएम से पता चल ही रहा होगा। तो आशा है आपको मेरी ये पोयम पसंद आई होगी। और अब जो अगली पोयम मैं सुनाने जा रही हूं, उससे पहले चार लाइनर। हर बंधन को तोड़ता जा, उठ तू राख से उठता जा। हर बंधन को तोड़ता जा, उठ तू राख से उठता जा। अपनी रूहानियत से ऐ साथी, सुन तू जुड़ता जा, जुड़ता जा, जुड़ता जा। नीता दी लिख रही हैं, बहुत सुंदर कविता, थैंक यू दी। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, बिल्कुल मैम, खुद को खोजना बहुत ज़रूरी है, थैंक्स फॉर एग्रीइंग टू व्हाट आई एम सेइंग। तो हम बढ़ते हैं मेरी अगली कविता, टूटते पत्थर की ओर। कब सोचते हैं ये टूटे पत्थर कि उजाला होगा उनके भी चारों ओर? कब सोचते हैं ये टूटते पत्थर की उजाला होगा उनके भी चारों ओर? वो अपने चारों तरफ फैलती मटमैली दर्द भरी खामोशियों से इतने वाकिफ हो चुके होते हैं कि उन्हें आभास ही नहीं रह जाता रोशनी का, और वो होते जाते हैं ठोस और ठोस और अधिक ठोस। नहीं सुनाई आती उन्हें कोई आवाज, कोई साज, और वो अंदर ही अंदर और अधिक टूट रहे होते हैं। सुनो, जब भी मिलो किसी ऐसे पत्थर से, जब भी मिलो किसी ऐसे पत्थर से, गले लगा लेना उसे मोहब्बत से, उससे चंद घड़ी गुफ्तगू कर लेना, उससे चंद घड़ी गुफ्तगू कर लेना, और विश्वास दिला देना उसे कि उसके जहन में भी है एक ऐसी रोशनी जो ले जा सकती है उसे फलक के उस पार। जब भी मिलो किसी ऐसे पत्थर से, गले लगा लेना उसे मोहब्बत से, उससे चंद घड़ी गुफ्तगू कर लेना, और विश्वास दिला देना उसे कि उसके जहन में भी है एक ऐसी रोशनी जो ले जा सकती है उसे फलक के उस पार। तो दोस्तों, अक्सर आदमी टूट जाता है, बात पत्थर की गई थी, पर इसमें एक मेटाफोर था जिसके अनुसार जिसमें मैं ये कहना चाहती थी कि कभी कभी आदमी भी जिंदगी में टूट जाता है, हार जाता है,
और उसको लगता है कि रोशनी है ही नहीं, परंतु यदि उससे सिर्फ थोड़ी सी बात कर ली जाए और थोड़ा सा उसे विश्वास दिया जाए कि नहीं उसमें रोशनी है और वो कुछ कर सकता है, तो वो शायद बहुत आगे बढ़ जाएगा और आपको हरदम हरदम याद रहेगा। शायद उसी तरह जिस तरह राम ने जब अहिल्या को छुआ था तो वो अमर हो गई कहानी, और आज तक भी हम लोग उस कहानी को याद करते रहते हैं। टिकम ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, आज शाम को टिकम की भी आप लोग पोएम सुनेंगे 5 बजे, ये भी बहुत अच्छे पोएट हैं। तो हम बढ़ते हैं मेरी अगली पोएम की ओर, और उससे पहले एक फोर लाइनर। कोई मुकाम ढूंढता है कोई खोजता है किनारा, कोई मुकाम ढूंढता है कोई खोजता है किनारा, जो मंजर देख खुश होना जानता है वो पा जाता है सुकून सारा, जो मंजर देख खुश होना जानता है वो पा जाता है सुकून सारा। अक्सर जो अच्छाई होती है सिर्फ मुकाम पाने में नहीं होती है, रास्ते को एंजॉय करने में भी होती है। कभी आप वॉक करके देखिए, वो पेड़, वो कोयल की आवाज़ कितनी अच्छी लगती हैं। तो ये अक्सर जर्नी बहुत अच्छी होती है, हमें एंड की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी फ्रेंड श्रुति ने ज्वाइन किया है और उसने लिखा है ऑसम, थैंक यू डियर श्रुति। संदीप यादव जी ने ज्वाइन किया है, वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री लिख रहे हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं मेरी पोयम यशोधरा की ओर। सिद्धार्थ, आखिर तुम चले ही गए ना मुझे छोड़कर, अपने बेटे के पालन पोषण से भी मुंह मोड़कर। सिद्धार्थ, आखिर तुम चले ही गए ना मुझे छोड़कर, अपने बेटे के पालन पोषण से भी मुंह मोड़कर। पर ना ही मैं रोऊंगी, ना गिड़गिड़ाऊंगी, ना शोर मचाऊंगी, और ना ही तुम्हें वापस बुलाऊंगी। ना ही मैं रोऊंगी, ना गिड़गिड़ाऊंगी, ना शोर मचाऊंगी, और ना ही तुम्हें वापस बुलाऊंगी। बस नियति जो देती जाती है उसे अपने हृदय से अपनाऊंगी। बस नियति जो देती जाती है उसे अपने हृदय से अपनाऊंगी। गर मुझसे दूर जाने में ही तुम्हारी खुशी है तो ये भी मुझे दिल से स्वीकार है। आखिर तुम खुश तो हो ना, आखिर तुम खुश तो हो ना। जब मैंने तुम्हारे संग फेरे लिए थे तो तुम्हारी खुशी की ही कामना की थी, है ना। शायद प्रभु ने भी मुझे तैयार कर दिया था कहीं इस क्षण के लिए, शायद प्रभु ने भी मुझे तैयार कर दिया था कहीं इस क्षण के लिए, और तो और मेरे पिताजी ने भी मुझे ये बताया था। बस बस दिल में कहीं दबी हुई इच्छा थी कि तुम मेरे होकर रहोगे, और मैंने हर तरह से कोशिश की तुम्हारी संगिनी बनने की। और राहुल के जन्म के बाद तो मैं एकदम निश्चित हो चली थी कि तुम मेरे हो होगे। राहुल के जन्म के बाद तो मैं एकदम निश्चित हो चली थी कि तुम मेरे हो और मेरा साथ निभाओगे। खैर, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। नियति के आगे भला किसका वश चला है, नियति के आगे भला किसका वश चला है। मैं मुस्कुराते हुए अपनी किस्मत को, मेरे भाग्य में सिर्फ लिखा है सत्य को स्वीकारना, और मैं मुस्कुराते हुए अपनी किस्मत को गले लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो मौजूद हैं वो हैं संदीप यादव, इन्होंने वेरी ब्यूटीफुल, संजय राणा जी नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार। सुद्रा यानी हमारे मैजिकल कैरेक्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग है, हर किसी में कुछ ऐसी कहानी है जो युगों से चली आ रही है। हमारी जो कहानियां हैं वो लिखी बहुत कम गई हैं, ये ओरली जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती जा रहती हैं, और सब इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो मैंने भी यशोधरा की इस कहानी को अपनी तरह से इंटरप्रेट, को पसंद आई होगी। दिवाकर लिखते हैं, वाह एक्सेप्टेंस और आत्मविश्वास से भरती भरी कविता, थैंक यू दिवाकर जी।
तो अब बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, और उससे पहले एक फोर लाइनर। ये आंखें नहीं हैं यारों, ये आंखों में ही ख्वाब बसते हैं, है ना। हैं यारों, ये तो रोशनी के दिए हैं, आफताब के कई प्याले इन आंखों ने पिए हैं, आफताब के कई प्याले इन आंखों ने पिए हैं। तो ख्वाबों में होता है जब तक नहीं देखता, वो आगे की ओर बढ़ ही नहीं सकता। यही जो है मैं कहना चाहती हूं अपनी अगली कविता में। ख्वाबों की कहां कोई बंदिश होती है, ख्वाबों की कहां कोई बंदिश होती है, वो तो एक मस्ताने गुब्बारे आसमान में उड़ते रहते हैं, कभी तारों को चूमते हैं, कभी चांद को गले लगाते हैं, और कभी उफक के भी उस पार लहराते हुए पहुंच जाते हैं। गुब्बारे तो फिर भी कभी कोई परिंदा चोंच मारकर फोड़ देता है, ख्वाबों को भला कहां कोई तोड़ पाया है। तो फिर भी कभी कोई परिंदा चोंच मारकर फोड़ देता है, ख्वाबों को भला कहां कोई तोड़ पाया है। अगर माहौल ठीक ना हो तो ख्वाबों को कुछ करके दिल के अलमारी में सहेज कर रखा जाता है। अगर माहौल ठीक ना हो तो कुछ दिनों के लिए तह दिल की अलमारी में सहेज होता है। फिर सही मौसम देख ख्वाबों को तितलियों सा फिर से उड़ने दिया जा सकता है। सुनो, तुम भी तो एक ख्वाब ही हो। सुनो, तुम भी तो एक ख्वाब ही हो। तुम कभी न थकना न कभी रुकना, ऊंचे और ऊंचे उड़ते रहे। खुद भी तो एक न कभी थकना न कभी रुकना, ऊंचे और ऊंचे उड़ती रहना उड़ते रहना। अगर उफक को छू लो तो उसे और ऊपर धकेल देना, ताकि तुम बढ़ते ही रहो। अगर तुम कभी रुके तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी, अगर तुम कभी रुके तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। आखिर रुक जाना तो कायरों का काम है ना। तो मैं आशा करती हूं कि आप सब भी ख्वाब देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एक मंजिल को पा लें तो अगले मंजिल को पाने की कोशिश करें, और कभी ना रुकें, चलते रहें चलते रहें चलते रहें। आशा है आपको ये पोयम पसंद आई होगी। तो जो अगली कविता है उसे, मेरे ही जहन में है वो सीली सीली सहर, जो मेरे सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट बनकर ठहर जाती है और दिन भर मुझे गीला रखती है जुस्तजू से। मेरे ही जहन में है वो भीनी भीनी बारिश, जो मेरी रूह को तर कर देती है खुशी से, और मैं किसी मोरनी की तरह थिरकती रहती हूं। मेरे ही जहन में है वो भीनी भीनी बारिश, जो मेरी रूह को तर कर देती है खुशी से, और मैं किसी मोरनी की तरह थिरकती रहती हूँ। मेरे ही जहन में है वो केसरिया शामें, जो मेरे जिगर को महका महका जाती हैं, और उसकी खुशबू में डूबी हुई मैं इतराती रहती हूँ। मेरे ही जहन में है वो केसरिया शामें, जो मेरे जिगर को महका महका जाती हैं, और उसकी खुशबू में डूबी हुई मैं इतराती रहती हूँ। सुनो, मुझे सुकून मिलता है खुद से। सुनो, मुझे सुकून मिलता है खुद से। बस इसमें तुम्हारा जरा सा साथ मिल जाता है तो मैं इठलाने लगती हूं किसी मस्ताने बादल सी। सुनो, मुझे सुकून मिलता है खुद से। बस इसमें तुम्हारा जरा सा साथ मिल जाता है तो मैं इठलाने लगती हूं किसी मस्ताने बादल सी। तो ये मेरी कविता यहाँ ख़त्म होती है। इससे पहले दिवाकर ने पिछली पोएम के बारे में लिखा है कि बहुत बढ़िया पोएम है। सुनैना ने लिखा है बहुत खूब, सुनैना मेरी बहुत खास दोस्त है, थैंक यू सुनैना। संदीप यादव लिख रहे हैं, आई हैव रिटन अ फ्यू पोएम्स इन इंग्लिश, यू कैन रीड एट द लिंक प्रोवाइडेड। ओके, थैंक यू संदीप जी। और मेरी एक और फ्रेंड जूही आई है और वो बहुत बड़ा वाओ लिख रही है, थैंक यू जूही इतने बड़े वाओ के लिए। तो
अब बढ़ते हैं आगे मेरी अगली कविता जिसका शीर्षक है एक प्रेम कहानी। उससे पहले एक फोर लाइनर, किसी बहाने से ही सही आ जाओ, मुझे भूल जाने ही सही आ जाओ। किसी बहाने से ही सही आ जाओ, मुझे भूल जाने ही सही आ जाओ। अहले वफा की बहुत कस्में हैं, अहले वफा की बहुत कस्में हैं, उन्हें निभाने ही सही आ जाओ। कभी कभी जब कोई दोस्त कोई साथी हमारे साथ होता है, हम उसका महत्व नहीं समझते, और ये समझते हैं हम जब वो दूर चला जाता है। तो कुछ इन्हीं भावों को दर्शाती है मेरी अगली कविता एक प्रेम कहानी। इमरान जी ने भी हमको ज्वाइन किया है और वो लिख रहे हैं राम राम जी, राम राम इमरान जी। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर एक प्रेम कहानी। वो अल्फाज का जादूगर था, हर्फ उसकी मुट्ठी में रहते थे। वो अगर खोलता जरा भी अपनी उंगली, मुट्ठी से शेरों नज्म निकलते थे। वो अल्फाज का जादूगर था, हर्फ उसकी मुट्ठी में बसते थे। वो अगर खोलता जरा भी अपनी उंगली, मुट्ठी से शेरों नज्म निकलते थे। वो सुरों की जादूगरनी थी, उसके कंठ में गीत बसते थे। वो जरा भी लब हिलाती, साज अपने आप बज उठते थे। वो सुरों की जादूगरनी थी, उसके कंठ में गीत बसते थे। वो जरा भी लब हिलाती, साज अपने आप बज उठते थे। जब वो मिले एक नीली सी शाम, नज्मों को मानो पंख लग गए। वो उंगली चलाता, वो गीत गाती, बागों में खिल गए। जब वो मिले एक नीली सी शाम, नज्मों को मानो पंख लग गए। वो उंगली चलाता, वो गीत गाती, बागों में हजारों गुल खिल गए। बस गई वो कंठ कोकिला, शायर के बेदाग जिगर में। अद्भुत कर दिया उसकी कलम को प्रेम के इस अनूठे रंग ने। बस गई वो कंठ कोकिला, शायर के बेदाग जिगर में। अद्भुत कर दिया उसकी कलम को प्रेम के इस अनूठे रंग ने। वो लिखता रहा, वो गाती रही, दोनों की मोहब्बत जग को लुभाती रही। वो लिखता रहा, वो गाती रही, दोनों की सोहबत जग को लुभाती रही। यह तो शायर के मरने के बाद जाना उस कंठ को किला ने। लिखे थे उसने गीत सारे उसी की प्रीत के नायाब रंग में। यह तो शायर के मरने के बाद जाना उस कंठ को किला ने। लिखे थे उसने गीत सारे उसी की प्रीत के नायाब रंग में। अब वो कंठ को किला याद शायर को दिन रात करती है। अब वो कंठ को किला याद शायर को दिन रात करती है। गाती है सिर्फ उसके लिए, उसकी नज़रें करती है। गाती है सिर्फ उसके लिए, उसकी नज़मों से बातें करती है। तो इमरान जी ने फिर से राम राम जी लिखा है, और मेरी फ्रेंड सुनैना ने लिखा है वाह वाह, थैंक यू सुनैना, आपको ये कविता पसंद आई। तो जैसा कि मुझे कई लोगों ने विश किया, और जैसे कि सब जानते हैं आज मदर्स डे है, तो सभी जो लेडीज़ यहाँ पे जो मदर हैं, वो जो उन सबको मैं आज मदर्स डे की बधाई देना चाहती हूँ, और बाकी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी मदर को एक बार ज़रूर याद कर लें, क्योंकि माँ के दिल पे क्या गुजरती है ये दर्शाती है मेरी अगली पोयम। दिवाकर लिखते हैं वहाँ मैडम, थैंक यू दिवाकर। तो मेरी पोएम से पहले एक फोर लाइनर, न जाने क्यों नए आंसुओं का झरना बहने लगा कल कल। न जाने क्यों नैन हुए सजल, आंसुओं का झरना बहने लगा कल कल। कुछ शामें थीं कुछ कहानियां थीं, कुछ शामें थीं कुछ कहानियां थीं, वो कहकशा याद आने लगी पल पल। वो कहकशा याद आने लगी पल पल। प्रभाकर नाथ शर्मा जी लिखते हैं वाह वाह, बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। तो पेश है मेरी कविता तुम और तुम्हारी यादें। अपने बेडरूम में चुपचाप बैठी हुई
कोयल की मधुर आवाज सुन रही थी कि अचानक नजर पड़ी सामने खड़ी उस लोहे की अलमारी पर, जिस पर तुम्हारा अपना नाम बड़े प्यार से खोदा गया था। अपने बेडरूम में चुपचाप बैठी हुई कोयल की मधुर आवाज सुन रही थी कि अचानक नजर पड़ी सामने खड़ी लोहे की अलमारी पर, जिस पर तुम्हारा अपना नाम बड़े प्यार से खोदा हुआ था। अलमारी का रंग बहुत फीका पड़ गया है, उसमें शायद अब वो चमक भी गुम हो गई है और जगह जगह पर उसमें पेंट उखड़ कर गिर गया है। पर न जाने क्यों इस अलमारी को कभी मुझसे रंगा ही नहीं गया। अलमारी का रंग बहुत फीका पड़ गया है, उसमें शायद अब वो चमक भी गुम हो गई है और जगह जगह पर उसमें पेंट उखड़ कर गिर गया है। पर न जाने क्यों इस अलमारी को कभी मुझसे रंगा ही नहीं गया। यूं तो मुझे अपने घर को करीने से सजाना और घर को संवारना कभी बहुत अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता है, पर बस उन यादों से जुड़े रहना अच्छा लगता है और इसलिए इस अलमारी को मैं रखती ही नहीं। शायद उस अलमारी पर तुम्हारे द्वारा लिखे हुए उस नाम से मोहब्बत की वो लकीरें हैं जो कभी मैं मिटाना ही नहीं चाहती। शायद उस अलमारी पर तुम्हारे द्वारा लिखे हुए नाम में मोहब्बत की वो लकीरें हैं जो मैं कभी मिटाना ही नहीं चाहती। सुनो, तुम तो कुछ दिनों में अपने करियर की खोज में आसमानों सी परिंदों सी आसमान में उड़ जाओगी। सुनो, तुम तो कुछ दिनों में अपने करियर की खोज में परिंदों सी आसमान में उड़ जाओगी और मैं बैठी रहूंगी उस नाम को निहारती और उन बीते हुए पलों से बातें करती हुई। मैं बैठी रहूंगी उस नाम को निहारती और उन बीते हुए पलों से बातें करती हुई। शायद उन लकीरों में से कहीं तुम भी निकल आओ, शायद उन लकीरों में से कहीं तुम भी निकल आओ और मुझे गले लगाकर एक बार फिर से कह दो, मम्मी तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो, मम्मी तुम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। थैंक यू। प्रभाकर जी लिखते हैं, वाह वाह, बहुत धन्यवाद, ये हैप्पी मदर्स डे भी विश कर रहे हैं, थैंक यू। सुनैना लिख रही है, बहुत खूब, थैंक यू डियर सुनैना। रविंद्र गोयल सर ने भी ज्वाइन किया है और लिख रहे हैं, नमस्कार, नमस्कार सर। और डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, ट्रू मैम, माँ तो माँ होती है, सही कहा, माँ पिताजी इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, माँ पिताजी भाई बहन वाइफ सभी बहुत खास होते हैं, बट एक माँ के लिए जो बच्चे का प्यार होता है वो शायद अमर होता है। सुनैना लिख रही है, दिल को छू लिया, थैंक यू सुनैना, तुम भी शायद ये पीड़ा समझती होंगी। तो अब मैं बढ़ रही हूँ अपनी आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है झुलसना। और उससे पहले एक फोर लाइनर, जिंदगी ढूंढती है महकने के बहाने और हम कैद कर लेते हैं खुद को गम में, महकने के बहाने और हम कैद, सीखो इन मुकालिफ परिस्थितियों में खिलते गुलों से कि कितनी हजारों खुशियां छुपी हैं इस जीवन में। सही, अब शायद इस बात का एहसास और ज्यादा हो रहा है इन कोरोना के दिनों में कि जिंदगी कितनी कीमती है, जिंदगी का एक एक पल कितना कीमती है, और ये पल को शायद हम कभी उतना महत्व नहीं देते थे। शायद हमारे ख्वाब सिर्फ रहते थे कि हम ऑफिस में कितने प्रमोशन पा लेंगे, बिजनेस में सोचते थे हम कितने पैसे कमा लेंगे, परंतु अब सब कितना खोटा लगता है और किस तरह का माहौल हो गया है ना। तो कुदरत को हरदम हमें नमन करते रहना चाहिए, उससे कुछ सीखते रहना चाहिए। तुहिन जो मेरे क्लासमेट है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है और वो लिख रहे हैं, सुपर, थैंक यू तुहिन फॉर ज्वाइनिंग। रविंद्र सर लिख रहे हैं, वाह, थैंक यू सर। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता झुलसना की ओर। बुझने नहीं दूंगी खुद को, बुझने नहीं दूंगी खुद को,
ये कुछ समा ऐसा है, मौसम ऐसा है, माहौल ऐसा है कि लगता है कि हम बुझ रहे हैं, तो उसी पे लिखी हुई है ये कविता। बुझने नहीं दूंगी खुद को, हवाएं तेज है, शरीर में सनसनी हो रही है, कोपाकुल है रक्त का बहाव, मानो ललकार रहा हो जहन को, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। हवाएं तेज है, शरीर में सनसनी हो रही है, कोपाकुल है रक्त का बहाव, मानो ललकार रहा हो जहन को, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। रात मलिन सी है, दिए भी नहीं टिमटिमा रहे, जुगनुओं ने इधर देखा, तब सी खामोशी जिगर को भेद रही है, टुकड़े कर देना चाहती है वो मेरे, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। रात मलिन सी है, दिए भी नहीं टिमटिमा रहे, जुगनुओं ने इधर देखना बंद कर दिया है, एक अजब सी खामोशी जिगर को भेद रही है, टुकड़े कर देना चाहती है वो मेरे, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। काले बादल मंडरा रहे हैं, बूंदे धीरे धीरे रिस रही हैं और भिगो रही हैं मुझे खौफ से, मानो मिटा देना चाहती हो मेरी हस्ती, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। काले बादल मंडरा रहे हैं, बूंदे धीरे धीरे रिस रही हैं और भिगो रही हैं मुझे खौफ से, मानो मिटा देना चाहती हो मेरी हस्ती, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। यूं भी क्षमा को बुझाने की ताकत कहाँ है किसी में, यूं भी क्षमा को बुझाने की ताकत कहाँ है किसी में। क्या देखा है किसी ने किसी को सूरज का दम घोटते हुए, क्या देखा है किसी ने किसी को सूरज का दम घोटते हुए। तो हमारे जिगर में एक सूरज होना चाहिए, एक ऐसी क्षमा होनी चाहिए, एक ऐसी रोशनी होनी चाहिए कि किसी माहौल में, किसी आदमी में, किसी में भी ये दम ही ना हो कि वो हमारा गला घोट सके, हमें बुझने दे। तो यहाँ बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मदर्स डे पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। नीता दी लिख रही हैं, सुपर, थैंक यू नीता दी। तो ये थी मेरी आखिरी आज की पेशकश। हर संडे मैं उपस्थित होती रहूँगी अपनी कविताओं के साथ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सुना करिए। डेट और टाइम मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगी। रविंद्र सर लिख रहे हैं, प्यार के नगमे हो फिजाओं में, आ तो जाओ माँ इन निगाहों में। क्या बात है, क्या बात है, माँ के लिए बहुत बढ़िया ट्रिब्यूट। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही मैम, थैंक यू। अखिलेश वर्मा जी लिख रहे हैं, ग्रेट, थैंक यू अखिलेश जी। और मैं अपनी आज की कविताओं का सिलसिला यहीं ख़त्म करती हूँ इन चार लाइनों के साथ। शहर जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाएं, शहर जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाएं, चूस लेना आफताब से रोशनी, चूस लेना आफताब से रोशनी और उड़ जाना पंख फैलाए। शहर जब उदासी लेकर आए, गम के काले बादल छाए, चूस लेना आफताब से रोशनी और उड़ जाना पंख फैलाए। रविंद्र गोयल सर लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भाव प्रभा, थैंक यू रविंद्र सर। सुनैना हौसला यूं ही बुलंद रहे लिख रही है, थैंक यू सुनैना। आप सभी का हौसला बुलंद रहे ताकि आप किसी भी विपत्ति में, किसी भी डिफिकल्टी में कभी ना हारें। इसी आशा के साथ मैं यहाँ आपसे रुखसत लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।